जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा।
के रहबरो तुम संभालो। आज गिरते हुए को संभालो संभालो, आज गिरते हुए को संभालो। देश के रहबरो तुम संभालो, देश के रहबरो तुम संभालो। आज गिरते हुए को उठालो उठालो, आज गिरते हुए को उठालो। Bani ma bani ma bani ba ga, gamada 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 mani, magare gare sa, magare gare sa, magare gare sa sa sa. Kisne kiya hai azad desh ko, kisne kiya hai azad desh ko, kisne sajaye dharti, kisne sajaye dharti. आज गिरते हुए को संभालो संभालो, आज गिरते हुए को संभालो संभालो, आज गिरते हुए को संभालो। कैसी सेवा वतन की कर रहे, कैसी सेवा वतन की। तेरे ही माँ है तुमको सदाए, तेरे ही माँ है तुमको सदाए। लुट रही लाज बेटा वतन की, लुट रही लाज बेटा वतन की। कमाई है
शर्मा Advent. Hello everyone, my name is Dwayne Agarwal and I am Navya Agarwal. When आज हमारा देश कितना अच्छे से सजा हुआ है क्योंकि आज हमारा देश 75 इंडिपेंडेंस डे बना रहा है. हाँ हाँ नव्या हर साल की तरह इस बार भी हमारा इंडिपेंडेंस डे कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है. अच्छा अच्छा ये सब क्या है? और ये तो तीन फूल जोर से और फ्लावर और सब्जियां है. और क्या है वो सब? तो ठीक है, तुम्हें इनके बारे में कुछ खास पता है? तो आओ मेरे साथ. ये है लोटस. लोटस ये हमारा नेशनल फ्लावर है. अरे ये तो तिरंगा है. तिरंगा ही हमारा नेशनल फ्लैग है. रुक नव्या, एनिमल है. ओ ये तो पंखी है और ये पंखी तो हमारा नेशनल वेजिटेबल है. अरे ये तो एक ट्री है, इसे कोई देखा? अरे हाँ ये तो बनियान ट्री है. यही तो नेचुरल ट्री है. यही तो नेशनल फ्रूट है. ये तो हमारा नेशनल सॉन्ग है. ये क्या है बोल? ये क्या नाम है? ये तो हमारा नेशनल सॉन्ग है. अरे हाय, ये तो वंदे मातरम है और यही तो हमारा नेशनल सॉन्ग है. बोल यही हमारी नेचुरल नदी है. ये तो जन गण मन है. यही तो हमारा नेशनल एंथम है. ये सब हमारी देश की धरोहर है. इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए. हमें अपने देश पे आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे. बची हो जब तक एक भी बूंद लहू की रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे. शुभ प्रभात, मैं नुपुर और मैं प्रेरणा आज आप सबके सामने हमारे साथियों के साथ एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आजादी की लड़ाई के कुछ अंश दिखाने की कोशिश की है.
आज़ादी, आज़ादी किसको प्यारी नहीं है। इसी आज़ादी के लिए कितनों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर लगभग 200 साल तक राज किया और इसी राज के दौरान अंग्रेज़ों ने भारतवासियों पर कई जुल्म किए। तो क्या तुम्हें याद है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो जनरल डायर के हुक्म से किया गया था। हाँ हाँ बिल्कुल याद है, तो चलिए आपको भी इस हत्याकांड की झलक दिखाते हैं। सुनो 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 सुनो, जनरल डायर के हुक्म से शहर में मार्शल लॉ लागू किया गया, जो भी घर से बाहर निकलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। भाइयों हमें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी नहीं होगी। बिल्कुल सही, तभी तो हम अंग्रेजों को भारत से बाहर फंसे लगेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सुनो भाइयों, कल बैसाखी का दिन है। आप सभी से निवेदन है कि आप जलियांवाला बाग में आए और अपने नेताओं का शांति प्रदर्शन में समर्थन करें। अगले बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। क्या तुम्हें गांधी जी की डांडी मार्च याद है? हाँ हाँ मुझे तो याद है, लेकिन इन्हें नहीं पता होगा, तो चलिए आपको भी इसकी एक झलक दिखाते हैं। अमीर और गरीब दोनों द्वारा समान रूप से किया जाता है। यदि हमारी मांगे 11 मार्च तक पूरी नहीं की जाती है तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। गांधी जी ने वायसराय इरविन को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी 11 मांगे लिखी, जिनमें से एक थी नमक लगान। जब इरविन ने गांधी जी की मांगे पूरी करने से मना कर दिया, तब 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक पद यात्रा तय की। आप भी हमारा साथ दें और अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा पूर्वक विरोध करें। ये लो, तोड़ दिया नमक कानून। ये नमक हमारे देश के समुद्र का है और इस पर हमारा पूर्ण अधिकार है। और इसी के चलते अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें नमक से लगान हटाना पड़ा। इसके कुछ ही सालों बाद यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। तो आइए आपको दिखाते हैं उस आंदोलन में क्या क्या हुआ था। गांधी जी, we want you to help us to fight against Japan। हम भारतवासी दूसरे विश्व युद्ध में आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। अगस्त की सुबह गांधी जी और उनके सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आगा खान पैलेस में रखा गया। गांधी जी के बिना यह आंदोलन कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, हमारे पास गांधी जी का नारा तो है, करो या मारो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। गांधी जी ने जेल में रहते हुए भी इस आंदोलन का सहयोग किया। उन्होंने 10 फरवरी से निर्जल उपवास रखना शुरू किया। जैसे ही गांधी जी के उपवास रखने की बात फैली,
वैसे ही आंदोलन का प्रभाव गहरा होता गया। और आखिर अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। आगे किसी ने सच ही कहा है, स्वतंत्रता जन्म सिद्ध हक नहीं कर्म सिद्ध हक है। गुड मॉर्निंग इंडिया। मम्मी मम्मी जो रेडियो पर सुन आवे छे। ऑल इंडिया रेडियो पर तमारू स्वागत छे। હું છું તમારી ચહીતી આરજે કનિકા અને હું છું તમારી ચહીતી આરજે અનિકા। તમે સાંભળી રહ્યા છો આજની સૌથી મોટી ખબર। આજે ભારતે અંતરિક્ષમાં પોતાનો પહેલો કદમ મૂક્યો છે। ભારતે પહેલી વખત પોતાની ભૂમિ પરથી રોકેટ લોન્ચ કર્યું છે। આ રોકેટ કેરલાના થુંબા ગામના એક જૂના ચર્ચ પાછળથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે। આ લોન્ચની સફળતામાં ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ અને વિક્રમ સારાભાઈનું મોટું યોગદાન રહ્યું। આ અવસર પર ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી જવાહરલાલ નહેરુએ રોકેટ લોન્ચમાં કાર્યરત ટીમને શુભેચ્છા પાઠવી છે। આપણામાંથી ઘણાને ખબર નહીં હશે કે આ રોકેટ કઈ રીતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું। આ રોકેટના અંગોને સાયકલ પર લઈ જવામાં આવ્યા હતા। ચાલો તો હવે આપણે સૌ લોન્ચ અને એની પહેલાની તૈયારીઓની એક ઝાંકી જોઈએ। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी में का। સન 1975 આર્યભટ્ટા ભારતનું પહેલું ઉપગ્રહ છે। આજે 19 એપ્રિલ 1975 આ ઉપગ્રહને કપુસ્તિન યાર્ડથી રશિયાના કોસ્મોસ 3M રોકેટથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે। આ ઉપગ્રહ ભારતમાં વિકસિત થવાવાળું પહેલું ઉપગ્રહ છે। દેશના પહેલા ઉપગ્રહનું નામ મશહૂર ખગોળશાસ્ત્રી અને ગણિતજ્ઞ આર્યભટ્ટના નામ પર રાખવામાં આવ્યું છે। ઉપગ્રહને આર્યભટ્ટના તત્કાલીન વડાપ્રધાન શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીએ આપ્યું છે। આર્યભટ્ટનો ઉદ્દેશ્ય એક્સરે એસ્ટ્રોનોમી એરોનોમિક્સ અને સૌર ભૌતિકીમાં પ્રયોગ કરવું છે। અને અચંબિત કરવાવાળી વાત એ છે કે આ સેટેલાઇટને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યા લઈ જવા માટે બળદગાડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે। से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। वेदर डिपार्टमेंट गुड टू गो सर। प्रोपल्शन डिपार्टमेंट रेडी टू लॉन्च सर। स्ट्रक्चरल एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट डन सर। So let's start the countdown. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. Mission successful. આજે ભારતે 104 ઉપગ્રહોને ઇસરોના સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી લોન્ચ કરી વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે। આ ઉપગ્રહોને PSLV-37 વ્હીકલથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે। PSLV-37 ઉડાનના લગભગ 28 મિનિટ પછી જ તમામ ઉપગ્રહોને પોતપોતાના ભ્રમણ કક્ષામાં મૂક્યા છે। આ સફળ પ્રસ્તુતિમાં ઇસરોએ એક્સેલ વેરિયન્ટનો ઉપયોગ કર્યો છે। એક્સેલ વેરિયન્ટ ચંદ્રયાન અને મંગલયાન જેવા મિશનમાં ઉપયોગમાં લેવાતું સૌથી શક્તિશાળી રોકેટ છે। આજે લોન્ચ થયેલા ઉપગ્રહોમાં 3 ભારતીય, 96 અમેરિકી અને બાકીના ઇઝરાયલ, કઝાકિસ્તાન, નેધરલેન્ડ્સ અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડના ઉપગ્રહ સામેલ છે અને એનો કુલ ભાર 1378 કિલો છે।
ઈસરોની સફળતા પર રાષ્ટ્રપતિ વડાપ્રધાનથી લઈને તમામ મોટી હસ્તીઓએ શુભકામના. મારા વાલા ભાઈઓ તથા બહેનો, પીએસએલવી 37 કાર્ટોસેટ 103 નેનો ઉપગ્રહો સાથે સફળ પ્રક્ષેપણ માટે મેં ઈસરોના સાયન્ટિસ્ટે અભિનંદન આપું છું. મારા આ સફળ નોંધપ્રાણ પરાક્રમ માટે આપણા અવકાશ વૈજ્ઞાનિકો અને રાષ્ટ્ર માટે બીજી ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણ છે. આ મારા દેશવાસીઓ વતી હું આ નવો સેટેલાઇટ કાર્ટોસેટ 2D જણ હાલમાં કેટલો પાણી છે એને જણાવશે. આ મારા માટે બીજી ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણ છે એ છે કે આ અભિયાનનું સંચાલન અને નેતૃત્વ અમારા નવા યુવક વૈજ્ઞાનિકો અને મહિલાઓ દ્વારા કરવું છે. ભારત ઈસરોના સાયન્ટિસ્ટ એ અભિનંદન આપે છે અને સલામ પણ કરે છે. જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ. નમસ્કાર દર્શકો, હું છું મીનાક્ષી જોશી અને તમે જોઈ રહ્યા છો એબીપી અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા. આજે આપણી સાથે ડૉક્ટર કે સિવન છે, જેઓ આપણને ગગનયાન વિશે માહિતી આપશે. નમસ્કાર સર. નમસ્કાર. અમારા દર્શકોને ગગનયાન વિશે જાણવાની ઘણી જિજ્ઞાસા છે, તો તમે અમને આ વિશે માહિતી આપશો જી? હા, જરૂરથી આપીશ. સર, આ ગગનયાનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? ગગનયાન કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય ભારતીય લોન્ચ વહીકલ પર સવાર મનુષ્યોને નીચી પૃથ્વીની ભ્રમણ કક્ષામાં મોકલવાની ક્ષમતા દર્શાવવાનો અને તેમને સુરક્ષિત રીતે પૃથ્વી પર પાછા લાવવાનો છે. આ મિશન હેઠળ 3 અવકાશ મિશન ભ્રમણ કક્ષામાં મોકલવામાં આવશે. આ 3 મિશનમાંથી 2 માનવરહિત હશે, જ્યારે 1 માનવીય હશે. ઓર્બિટલ મોડ્યુલ તરીકે ઓળખાતા માનવ અવકાશ ઉડાન કાર્યક્રમમાં 1 મહિલા સહિત 3 ભારતીય અવકાશ યાત્રીઓ હશે. સર, એ શુભ ઘડી ક્યારે આવશે જ્યારે આપણે ગગનયાનને આસમાનની ઊંચાઈઓમાં જતા જોઈશું? લોન્ચિંગ જૂન 2022માં નક્કી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ રોગચાળાના કારણે એ 2022-23 સુધી વિલંબિત થઈ શકે છે. જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ.